हेलो फ्रेंड्स, हॉबी एक्सप्रेस करछी से कलम तक के पूजा पाठ जंक्शन में आज लेकर के आई हूँ पूजा से जुड़ी सबसे बेसिक चीज, वह है पूजा का कमरा, यानी पूजा के कमरे से संबंधित जरूरी वास्तु टिप्स। कहाँ पे बनाए पूजा घर, क्या ना करें पूजा के कमरे में, कुछ जरूरी ऐसे वास्तु टिप्स जिनके पीछे जुड़ा हुआ एक वैज्ञानिक कारण या जिनके पीछे पुरानी मान्यताएं। तो चलिए देखते हैं ऐसे ही पूजा घर से जुड़े जरूरी बातें। वैसे तो ईश्वर सर्वव्यापी है और वह सबका कल्याण करते हैं और ईश्वर ही सभी दिशाओं के स्वामी हैं। पर कुछ ऐसे नियम हैं जिसे सिर्फ मान लेने भर से अपने मन को तसल्ली मिलती है और घर में भी सुख शांति बनी रहती है। शायद यही कारण है कि कुछ ऐसे नियमों को हम खुद ब खुद पालन करते हैं। नियम वहीं तक अच्छे होते हैं जहाँ तक उनका पालन आराम से कर सके, मतलब कि बिना किसी बाउंडेशन के कर सके। तो ऐसे ही आसान नियम जिनका पालन आप आराम से कर सकते हैं पूजा घर से संबंधित, ऐसे वास्तु टिप्स देखेंगे। सबसे पहले पूजा का कमरा जो है वो उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य के उगने की दिशा होती है और उत्तर दिशा सप्तऋषि और ध्रुव तारे की दिशा होती है। इसलिए यह दिशा दोनों बहुत ही पवित्र मानी जाती है। इसलिए पूजा का कमरा उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। और अगर आप घर में कुल देवता या कुल देवी रखते हैं तो उनकी मूर्ति या फोटो जो है वह भी उत्तर या पूर्व दिशा में ही रखनी चाहिए। तो यह घर में सुख शांति को बनाए रखता है। इसके अलावा किस चीज के आसपास ना हो पूजा का घर, शयन कक्ष में कभी भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, यह पुरानी मान्यता अब तक चली आ रही है। इसके अलावा बाथरूम के ऊपर या नीचे या बाथरूम के दीवार से सटकर पूजा का कमरा का निर्माण ना करवाएं, क्योंकि बाथरूम एक अपवित्र जगह मानी जाती है। यही कारण है कि पूजा के घर को बाथरूम के आसपास नहीं होना चाहिए। घर के मंदिर के वास्तु टिप्स के हिसाब से एक भगवान की एक ही फोटो या मूर्ति घर के पूजा घर में रखनी चाहिए। इसके अलावा कहा यह भी जाता है कि भगवान की पत्थर की मूर्ति घर में स्थापित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्थर की मूर्ति का स्थान मंदिरों में होता है। पूजा का कमरा जो होता है ना, वो घर में शांति प्रदान करता है, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी को एक मानसिक शांति देता है। पूजा के कमरे का दरवाजा लकड़ी का होना चाहिए, ना कि लोहे या किसी भी अन्य धातु का। इसके पीछे का कारण यह है कि लोहे में जंग लग जाती है और लकड़ी को शुद्ध माना जाता है। तो पूजा के घर का दरवाजा लकड़ी का होना चाहिए। साथ ही अगर कभी बाहर जाए तो पूजा के घर में कभी भी ताला बंद करके नहीं जाना चाहिए। पूजा घर से जुड़ी ये जरूरी वास्तु टिप्स हैं जिसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पूजा का घर कभी भी बंद नहीं होना चाहिए। हालांकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन तब भी मन की तसल्ली के लिए कभी भी अगर बाहर जाए तो पूजा के घर को बंद ना करें। पूजा के घर में नेचुरल लाइट यानी प्राकृतिक रोशनी आने की व्यवस्था होनी चाहिए, कि एक खिड़की हो जरूर होनी चाहिए। प्राकृतिक रोशनी जो होती है वो घर में स्वस्थ माहौल प्रदान करती है और मानसिक शांति और सुख समृद्धि बनाई रखती है। यह इसका वैज्ञानिक कारण है। इसलिए पूजा के घर में एक खिड़की जरूर होनी चाहिए। पूजा रूम में आजकल एक प्रचलन है कि लोग मंदिर स्थापित करते हैं, जबकि पुरानी मान्यता यह चली आ रही है कि मंदिर हमेशा खुले स्थान पे होना चाहिए। इसलिए घर में कभी भी मंदिर की स्थापना नहीं करनी चाहिए। घर में पूजा का कमरा बनाएं, ना कि मंदिर रखें। घंटी, पूजा के घर में एक छोटी सी घंटी या हाथ से बजाने वाली घंटी अवश्य रखें। इसका भी एक कारण है, घंटी जब भी आप मंदिर में जाते हैं तो बजाते हैं तो वह मानसिक शांति प्रदान करती है। इसलिए घंटी की आवाज जो है घर में सुख शांति बनाए रखती है। रोज पूजा के घर में एक दिया जरूर जलाएं। दिया जो है वह घर के बैक्टीरिया, वायरस, इन सब चीजों को खत्म करता है दिए की रोशनी। यही कारण है कि दिवाली में हम बहुत सारे दिए जलाते हैं। तो पूजा घर में रोज एक दिया जरूर जलाएं। इन सब नियमों का पालन करके आप घर में सुख शांति बनाए रख सकते हैं। कि किस दिशा में हो पूजा, यानी कि पूरब और उत्तर दिशा में पूजा का कमरा होना चाहिए। भगवान की दिशा पूरब या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। भगवान के घर का दरवाजा कभी बंद नहीं होना चाहिए। भगवान के घर कभी भी बाथरूम से सटे हुए यानी शौचालय से सटे नहीं होने चाहिए। ये सब छोटे छोटे नियम है जो हम बहुत आसानी से फॉलो कर सकते हैं। और पूजा के घर में ये सब चीजों का, नियमों का पालन करके आप साथ ही लक्ष्मी को भी घर में बनाए रख सकते हैं। तो अगर आसानी से इन नियमों का पालन कर सकते हैं तो जरूर पालन करें। और अगर आपको ये छोटे छोटे टिप्स पसंद आए हों पूजा पाठ से संबंधित, तो प्लीज हॉबी एक्सप्रेस करछी से कलम तक को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी पूजा पाठ से जुड़ी जरूरी छोटी छोटी बातें मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं।